हमारी कानपुर जाने की ट्रेन थी 7:35 में, तो वो अचानक से अभी नोटिफिकेशन आती है कि ट्रेन कैंसिल कर दी जाती है। मेरा यही क्वेश्चन है कि इसका जवाबदेही कौन होगा? अचानक से हमारा जरूरी है, एयरफोर्स का मेडिकल है 14 तारीख को, जाना कंपलसरी है, तो आप बताइए कि इसका जवाबदेही कौन होगा? सरकार तो पैसे रिफंड कर देगी और जो हमारा ये नुकसान होगा उसका भरपाई कौन करेगा? क्या किया जाए, सरकार के हाथ में सब कुछ। अच्छा, अब हम लोग जनता है, क्या कर सकते हैं, जो रहेगा उसके साथ ही चलना पड़ेगा ना, और क्या इसका विरोध करे तो कहाँ करे, ये बात है ना। हम ही पर असर पड़ रहा है, हम दुनिया को क्या देगा, हम देंगे, हम पर क्या बीत रहा है जो हम समझ रहे हैं। बढ़ गया तो क्या करें, पॉकेट ढीला हो रहा है, सरकार को क्या मतलब है इसे, हमारा पॉकेट ढीला हो रहा है, सरकार को मतलब सरकार नहीं? सरकार तो अपना पॉकेट भर रहा है, हम लोग का पॉकेट ढीला कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। अभी हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं और चूँकि COVID-19 का दौर अभी चल ही रहा है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लगातार पैर पसार रहा है और सचेत रहने की आवश्यकता है, पर रेलवे प्रशासन की तरफ से लगातार कदम जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं और महंगाई तो कमर तोड़ ही रही है आम लोगों की, सीधा का सीधा पैकेट पर असर पड़ रहा है, चाहे हम बात करें निजी वाहनों की या हम बात करें सरकारी वाहनों की, दोनों ही वाहनों का किराया जो है वो बढ़ रहा है। वहीं पूर्व मध्य रेल भी पीछे नहीं है, किराए में इजाफा लगातार हो रहा है। एक नोटिस हम आपको दिखाना चाहेंगे, COVID-19 स्पेशल ट्रेनों का प्रभार किराया मेल एक्सप्रेस का लगेगा, यानी मिनिमम फेयर जो होगा वो 30 रुपया होगा। अब यहाँ एक और लिस्ट है, अब इस लिस्ट में आप देखेंगे तो पटना जंक्शन, बरौनी मेमो ट्रेन, इनका किराया जो है वो मेल एक्सप्रेस ट्रेन के तर्क पर ही लगेगा और ये तमाम जो लिस्ट जो है वो साटे गए और नीचे लिख दिया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन लोगों को जो है वो ना हो, क्योंकि अधिकांश जब पैसेंजर आते हैं टिकट लेने के लिए तो क्लर्क के साथ नोकझोंक भी हो जाया करती है, तस्वीरें निकल कर आ जाती है और सवाल उठ जाता है कि भाई इतना किराया कैसे बढ़ गया, कल कुछ और था और आज कुछ और हो गया। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रेल प्रबंधक ने लिस्ट बजाते यहाँ पर चिपका दिया है, पर सबसे हम बात यह है कि महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है और आम जनमानस पर सीधा का सीधा असर पड़ रहा है। लोग हमारे साथ, भैया टिकट लेने आए हैं? टिकट लेने आए हैं। तो भैया जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब तो ट्रेनों का भी फेयर बढ़ गया, कैसे हम लोग को बहुत कष्ट हो रहा है, मजदूरों को तो बहुत परेशानी ना हो रहा है टिकट लेने में। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग गया जा रहे हैं। कितना टिकट का फेयर लगा है, भाड़ा कितना? आज अभी तो पहले वाला भाड़ा लगा है आज तक। अच्छा, हाँ 25 रुपया लगा है। 25 रुपया लगा है। मेमो ट्रेन का जो है वो जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, हाँ हाँ, उनके भाड़े में इजाफा किया गया है मेल और एक्सप्रेस के। देखिए अभी पूर्ण रूप से हम लोग की जानकारी नहीं है भाड़ा के बारे में, हाँ, कि बढ़ा है या कमा है, हाँ, जो हम लोग तो पहले से टिकट ले रहे हैं वही टिकट आज भी लिए हैं। भैया आप कहाँ जा रहे हो? हमारी कानपुर जाने की ट्रेन थी 7:35 में, तो वो अचानक से अभी नोटिफिकेशन आती है कि ट्रेन कैंसिल कर दी जाती है। मेरा यही क्वेश्चन है कि इसका जवाबदेही कौन होगा? अचानक से हमारा जरूरी है, एयरफोर्स का मेडिकल है 14 तारीख को, जाना कंपलसरी है, तो आप बताइए कि इसका जवाबदेही कौन होगा? सरकार तो पैसे रिफंड कर देगी और जो हमारा ये नुकसान होगा उसका भरपाई कौन करेगा? क्या रीज़न क्या दिया गया? रीज़न देखिए, रीज़न यहाँ सब कैंसिल ड्यू टू ये रीज़न दिया गया। खैर कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि ट्रेनें जो हैं वो लगातार कैंसिल हो रही है, तस्वीरें तो हम लगातार पहुंचा ही रहे हैं। चलिए और जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं टिकट लेने उनसे ही हम बात करेंगे और उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि जो महंगाई बढ़ी है उसे लोग कैसे देख रहे हैं और बढ़ती महंगाई में लोग क्या कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो दोस्त? बक्सर। बक्सर, बक्सर, जब किराए में इजाफा हुआ है भाई, कैसे देख रहे हो? क्या करें, इजाफा हुआ मतलब नहीं समझ, भाड़ा बढ़ा है, मेमो ट्रेन का मेल एक्सप्रेस के तर्ज पर किराया लिया जाएगा, 30 रुपये से कम का टिकट जो है वो नहीं मिलेगा, कैसे देख रहे हो बढ़ती महंगाई को, कैसे देख रहे हो? क्या करें, क्या है, मजदूरी करते हैं। अच्छा, महंगाई बहुत बढ़ रही है, कैसे देख रहे हो, क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर हो रहा है, महंगाई पड़ रहा है तो अब काम धाम हो रहा नहीं है, काम धाम करते हैं किसी तरह झेलते हैं। यहाँ से कहाँ जाओगे? बक्सर। बक्सर, बक्सर में घर है? नहीं, काम करने जा रहे हैं।
तो कुछ लोग जो हैं वो काम करने भी जा रहे हैं। चलिए इस ओर अब आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि नोटिस इस ओर चिपकाया गया है तो इस ओर बात करना हम हो जाता है। कहाँ जा रहे भैया? सासाराम। सासाराम जा रहे हैं। महंगाई इतना बढ़ रही है, ट्रेन फेयर भी बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 को लेकर के जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी उनका किराया मेल और एक्सप्रेस के तर्ज पर दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं बढ़ती महंगाई को? क्या किया जाए, सरकार के हाथ में सब कुछ। अच्छा, अब हम लोग जनता है, क्या कर सकते हैं, जो रहेगा उसके साथ ही चलना पड़ेगा ना, और क्या इसका विरोध करे तो कहाँ करे। अच्छा। ये बात है ना, पैकेट पर तो असर पड़ ही रहा। कैसे देख रहे भैया आप? क्या बोले भैया, भैया अगर हम लोग तो खुद कमा नहीं रहे हैं। हाँ। अभी तो बैचलर है। हाँ। खुद हम लोग को पता चल रहा है कैसे सब चलेगा, आप समझिए। क्या कहेंगे सरकार को ऐसे में, क्या कहेंगे यूथ हैं आप, और आप सरकार को देखना चाहिए ये सब ना, पहले देख कर सोच समझ के सब बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए, आदमी पे क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये कह देना कि कोविड-19 है इसीलिए हम किराया बढ़ा रहे हैं कि भीड़ भाड़, ये सब बहाना है, सब गलत है, सारा का सारा गलत है। कोविड ये सब गलत है, किराया बढ़ाना सही है? नहीं, गलत, सरासर गलत है। आप कहाँ जा रहे हैं? सासाराम जा रहे हैं। अच्छा, आप लाइन में आके तो बात कर लेंगे। आप भी सासाराम जा रहे हैं। महंगाई को कैसे देख रहे हैं जो लगातार बहुत महंगाई बढ़ रही है? क्या भैया, आरा का 3 को दे दीजिए। कुछ और लोग हैं इनसे, कहाँ जा रहे चाचा? हाँ, मैं तो आरा से हूँ। अच्छा, जो किराया बढ़ रहा है स्पेशल ट्रेनों का और मेल एक्सप्रेस के तर्ज पर किराया लिया जाएगा, कैसे देख रहे हैं? ये तो बहुत बुरी सरकार कर रही है, क्योंकि जनता इसमें भूखे मर रही है अभी। हाँ। भी बहुत स्थिति खराब है, जो कि तेल का महंगाई इतना हो गया कि वाहन जो है, जो भी गरीब जो है, हर चीज़ महंगाई के रेट में खरीद रहा है, जो कि बहुत भूखे मर रहा है सर। ये स्थितियाँ आ गई है सरकार की, भाजपा की सरकार में। क्या कहेंगे सरकार को, क्या महंगाई पर काम? महंगाई को हम ये कहेंगे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आम जनता का जीवन जो है अच्छी तरह से गुजर जाए। कहाँ जा रहे सर? मोकामा जा रहे। मोकामा जा रहे। जी जी, फेयर बढ़ रहे हैं लगातार, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे? अब हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। कितना पैकेट पर असर पड़ रहा है ये तो बताइए। हम ही पर असर पड़ रहा है, हम दूसरे को क्या देंगे, हम पर क्या बीत रहा है हम समझ रहे हैं। सरकार की ये रणनीति कैसे? 3 को मौका मत दीजिए भैया, यूथ हो, कैसे देखो? जवाब नहीं देंगे भैया, अभी टिकट लेना है, ट्रेन लगी हुई, जवाब नहीं देंगे। ट्रेन का फेयर भी तो बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या करें, पॉकेट ढीला हो रहा है, सरकार को क्या मतलब है इससे, हमारा पॉकेट ढीला हो रहा है। सरकार को मतलब? सरकार तो अपना पॉकेट भर रहा है, हम लोग का पॉकेट ढीला कर रहा है। अच्छा, प्लेटफॉर्म टिकट भी 50 रुपये हो गया, क्या कीजिएगा? खैर, ये तमाम जो लोग हैं इनका साफ तौर पे कहना है सरकार को क्या मतलब, असर तो आम लोगों के पैकेट पर पड़ रहा है, जैसे तैसे ज़िंदगी जो है वो चल रही है, और सरकार जो है कहीं ना कहीं मग्न है, और जनता की ओर सरकार का जो रुख है वो कहीं ना कहीं बदला सा लग रहा है। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि जो लोग स्टेशन पर पहुँचे हैं वो कैसे देख रहे हैं बढ़ती महंगाई को, कैसे देख रहे हैं भैया? कहाँ का टिकट लिया है? जहानाबाद का टिकट लिया हूँ। बढ़ती महंगाई को कैसे देख रहे हैं वहाँ पर नोटिस? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि सरकार केवल अपनी जेब भर रही है, पब्लिक की जेब खाली कर रही है। अच्छा, और कुछ नहीं कहूँगा। ये कहना कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए स्टेशन पर, ट्रेनों में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए इसलिए किराया में इजाफा किया जा रहा है? नहीं नहीं, सही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किराया 100 रुपया भी कर दोगे तो उतना ही भीड़ रहेगा, 10 रुपया भी करोगे तो उतना ही भीड़ रहेगा। आपको मिनिमम फेयर 30 रुपया हो जाएगा मेमो ट्रेन का? हाँ, वो तो 30 रुपया है, 30 रुपया खुद दे के आया हूँ मैं। अच्छा, 30 रुपया खुद दे के आया हूँ, जहानाबाद से पटना के लिए 30 रुपया दे के आया हूँ। इसमें हमें बताया गया कि एक स्पेशल ट्रेन है, हरेक मेल एक्सप्रेस है, हरेक स्टेशन पे रुकेगी, और पब्लिक को बुड़बक बना करके हॉल्ट पर भी रोका जा रहा है ट्रेन को, और 10 की जगह 30 लिया जा रहा है। 10 की जगह 30 लिया जा रहा है। खैर, हम तो तस्वीरें लगातार अपडेट कर ही रहे हैं, और हम स्टेशन पर भी एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। नोटिस सामने लगा हुआ है, हमारे सहयोगी जूम करके वो तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे कि सामने नोटिस लगा, और उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिनांक 8/3/2021 कोविड-19 स्पेशल ट्रेनों का प्रभार किराया मेल एक्सप्रेस का लगेगा, यानी मिनिमम फेयर जो होंगे वो 30 रुपया होंगे। खैर, दूसरी ओर देखिए, दूसरी ओर एक और नोटिस जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ पर ट्रेन संख्या के साथ साथ समय और
जो स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाएगी ट्रेन, तो पटना जंक्शन से बरौनी जाएगी मेमो ट्रेन, वो 8:40 में जाएगी और इसका किराया भी मेल एक्सप्रेस के तर्ज पर ही लगेगा। यहाँ नीचे लिखा हुआ है मेल एक्सप्रेस का लगेगा किराया। पटना जंक्शन से गया मेमो ट्रेन, इसका भी किराया जो है वो मेल एक्सप्रेस के तर्ज पर ही लगेगा और किराया में इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये तमाम जो डेटा हैं यहाँ पर लगा दिए गए ताकि यात्री जब टिकट लेने आए और पहुँचे काउंटर पे तो क्लर्क के साथ बकझक ना हो और क्लर्क भी निश्चिंत रहे, जो बुकिंग क्लर्क है जो टिकट बुक करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ करता है कि नोकझोंक हो जाया करती है और फिर समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है और पैसेंजर ये सवाल पूछने लगते हैं कि भैया कल तो आया था, आज किराया कैसे बढ़ गया। तो इन दुविधाओं को दूर करने के लिए ये नोटिस लगा दिया गया है। पर सवाल एक है भाई, महंगाई तो रुला रही है, महंगाई पर रोक कब लगेगी, नकेल कब कसा जाएगा, सरकार कब आम लोग जो परेशान हैं महंगाई से उनके परेशानियों को समझ पाएगी। सवाल यही है, क्योंकि चुनाव में बड़े बड़े वादे होते हैं पर जब महंगाई लोगों को रुला रही है फिर सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही। जब हम लोगों से बात भी कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था सरकार को क्या मतलब है साहब, पैकेट तो ढीला हमारा हो रहा है, जैसे तैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट सोशल लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।